नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के MIB डिजिटल इरा में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ़ोन को रोटेट कर ले ताकि वीडियो बड़ी बड़ी और अच्छी क्वालिटी में दिखने वाली है, ठीक है। मैं आपकी सुविधा के लिए ऐसा कर रहा हूं। आज की वीडियो बना रहे हैं जो बेब GB के सभी आई पैनलिस्ट के लिए फ्यूचर वीडियो है, क्योंकि आज आप इस वीडियो को देख करके बेब GB के गिफ्ट कार्ड से किस तरीके से chaturbhai.com से शॉपिंग करना है ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फ़ोन को रोटेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम chaturbhai.com लिखते हैं। chaturbhai.com लिखने के बाद यहाँ पे chaturbhai.com के पोर्टल को हम ओपन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, लॉगिन सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे मैंने गोला लगाया इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आईडी क्रिएट करने के लिए, क्रिएट एन अकाउंट के लिए आपको एंड ऑफ अ स्क्रीन वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आईडी जनरेट करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, क्लियर है। तो चलिए अब हम जो आईडी मेरे पास पहले से बना हुआ है उस पर मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, या तो ईमेल आईडी से या फ़ोन नंबर से। तो हम फ़ोन नंबर से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, क्लियर है। अब देखिए हमने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। आप यहाँ पे सर्च करके नीचे स्लाइड करके नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम जाएंगे मेन्यू बटन पे। अब वो रहा मेन्यू बटन, मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कैटेगरी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम फीचर्स एंड किचन, वुमेन्स, मेन्स, बेबी किडवेयर, ग्रोसरी एंड लिमिट प्रोडक्ट्स, इस तरीके से हमारे पास आ गए। अब हम किसी एक सेक्शन को ओपन करते हैं। चलिए अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग को ओपन किया है। अब सैमसंग के जितने भी फोन्स हैं और उसके मॉडल्स हैं वो टॉप कुछ मॉडल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद हमने बैक बटन प्रेस किया। इसके बाद हम जाते हैं किसी और कंपनी के ऊपर, पैनासोनिक। अब हम पैनासोनिक पे टच किए तो देखिए पैनासोनिक के दो तीन प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम और भी कुछ चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एमआई का स्टार्टअप करा तो देखिए एमआई का जो भी मोबाइल्स फोन है वो आपको दिख रहा है, और मैंने रेट कंपेयर किया है और भी जो पोर्टल्स हैं उससे रेट मैंने कंपेयर किया, बिल्कुल सिमिलर रेट है। अब इसके बाद फिर हम आते हैं, अगर मैं लेडीज आइटम की बात करूँ तो वीमेन सेक्टर में देखिए आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। रेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे जिस टाइप का आप कैटेगरी में आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार से आपका रेट भी आएगा, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद हम एक बार साड़ी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम साड़ी सेक्शन के ऊपर क्लिक किए। अब देखिए इस तरीके से ये क्लिक खुल करके आ रहा है। 671 से लेकर के स्टार्ट है, 575 से स्टार्ट है, 1900, देखिए जो जिस लेवल का है वो दिखता भी है। साड़ी भी दिखती है कि हाँ 1800, 1700, 1900, 2000, 3200 के रेंज तक का हम लोग मार्केट में भी साड़ी पसंद करते हैं, तो इसी टाइप का साड़ी आता है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो प्रोडक्ट को लेकर के मैं अगर मैं कहूँ तो 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ कि प्रोडक्ट इसमें कोई कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और जो लोग इसे पुराने सिस्टम पे शॉपिंग करा था इस सिस्टम को लेकर के, जो भी लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किए हैं उनको पता है कि क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, आप खुद भी इस चीज को देख सकते हैं। मैं सारी चीजें शॉपिंग वगैरह करके भी दिखाऊंगा, आप बने रहिए। ये सारी चीजें मैं आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, जो मैंने प्रोडक्ट को पहले से सिलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर हमने क्लिक किया। देखिए ये टी शर्ट के शॉपिंग के साथ मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूं। देखिए इसके ऊपर हमने क्लिक किया, देखिए ये टी शर्ट है। अब जो भी प्रोसेस है मैं बारी बारी से करके दिखा रहा हूं और कैसे शॉपिंग करना है ये भी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, हल्का सा स्लाइड करके नीचे आते हैं, हम साइज को सिलेक्ट करते हैं, मीडियम साइज है तो मीडियम साइज किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बाई करना है तो हमने ऐड टू कार्ड कर लिया। अब ऐड टू कार्ड हो गया। ऐड टू कार्ड करने के बाद देखिए सारी चीज़ें मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने पहले से भी सिलेक्ट करके रखा था, एक और सिलेक्ट हो गया तो हमने एक बार माइनस कर दिया। आपसे भी गलती से अगर ऐसा होता है तो आप उसको माइनस बटन पे क्लिक करेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे MRP से लेकर के डिस्काउंट से लेकर के आफ्टर डिडक्शन सारी चीज़ों को लेकर के क्या रेट आ रहा है, 280 प्लस 50 रुपया आपका डिलीवरी चार्ज, टोटल हो गया कितना, 330 रुपया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अगर आप चाहते हैं आप अपना पिन नंबर चेक करना तो आप ऊपर में चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो पिन नंबर भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पिन चेक, तो यहाँ पे पिन नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड आप अपना डालिए और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम स्लाइड करके नीचे की ओर आएंगे। अब देखिए जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं यहाँ पे हम आ जाते हैं प्लेस ऑर्डर के पास। अब प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करके थोड़ा सेकंड के लिए रुकेंगे, प्लेस ऑर्डर हो गया। प्लेस ऑर्डर होने के बाद देखिए यहाँ पे चीज़ें आ रहा है, एड्रेस, आपका एड्रेस रिक्वायरमेंट है। अब एड्रेस यहाँ पे हम फुलफिल करेंगे, ठीक है, बारी बारी से सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए अब या तो पहले एड्रेस ऐड है तो न्यू एड्रेस करेंगे, आप दोनों में मंगा सकते हैं, या पहले जो आपका ऐड है उस पर। एड्रेस में क्या है, पिन नंबर जैसे ही डालेंगे आपका स्टेट और सिटी ये दो चीज़ें तो कवर कर लेगी। इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क, लैंडमार्क में क्या डालना है, जैसे आपका एरिया का या फिर आपके घर के आसपास का कोई पहचान चिन्ह है तो वो डाल दीजिए, जैसे किसी के यहाँ तालाब है, किसी के यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है आप डाल सकते हैं। इसके बाद माई डिफ़ॉल्ट, आप अगर माई डिफ़ॉल्ट में रखना चाहते हैं तो इसको आप डिफ़ॉल्ट एड्रेस के रूप में भी रख सकते हैं, और एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए एड्रेस हमारा प्रॉपर वे में
ऐड हो गया, क्लियर है। अब एड्रेस ऐड होने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब आना है नीचे हल्का सा करके और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे सारे सेव कार्ड है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि इसका फीचर क्या है। अब वैसे आप देख लीजिए 330 रुपये का ही अमाउंट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद कैश ऑन डिलीवरी कमिंग सून पे है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। आप क्रेडिट कार्ड का कार्ड नंबर, कार्ड का नाम, इसके बाद आप वैलिडिटी, CVV सारी चीज़ें करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं। इसके बाद फ़ोनपे से भी आप देखिए फ़ोनपे, गूगल पे, UPI, इस तरीके से आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके और आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे UPI ID डाल देना है और पे नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप चाहें तो पेटीएम वॉलेट प्लस पोस्टपेड से इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, पे नाउ क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, आपका जो भी है, आप जिस अकाउंट से करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं BabeGB के गिफ्ट वाउचर कार्ड का उपयोग हम कैसे करें इस ऑप्शन पे। तो इसके लिए हम लॉगिन सेक्शन पे जाते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट कार्ड क्रेडिट, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे गिफ्ट कार्ड क्रेडिट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जीरो बैलेंस बता रहा है तो ऐड गिफ्ट कार्ड है, उसके ऊपर क्लिक किए। अब यहाँ पे गिफ्ट कार्ड नंबर और गिफ्ट कार्ड पिन, अब ये क्या होता है मैं BabeGB के पोर्टल से ला करके यहाँ पे फिलअप करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेहनत लगती है चैनल पे काम करने में, वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब हम यहाँ पे पेज को मिनिमाइज करके हम चलते हैं BabeGB के पोर्टल पे, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से BabeGB का पेज ओपन हो गया है, ठीक है। हम मेन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, मेन्यू बटन के ऊपर गए, इसके बाद हम अकाउंट सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, अकाउंट सेक्शन के ऊपर गए, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट कार्ड वाउचर, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आपका जो भी गिफ्ट वाउचर है वो क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, 10 का यहाँ हो गया और 2 और अगले पेज पे है तो 12 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको मैं ये हाइड कर दे रहा हूँ लेकिन आपको करना यही है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इस वाले चीज को कॉपी कर लेना है एक बार, इसको और इसके ऊपर हाथ रख करके इसको कॉपी कर लीजिए या फिर आप कहीं पे लिख करके रख लीजिए, ठीक है। और दूसरा में क्या है, इसको कॉपी करके, यानी देखिए यहाँ पे गिफ्ट वाउचर नंबर में भी गिफ्ट वाउचर नंबर डाल देना है और गिफ्ट वाउचर पिन में गिफ्ट वाउचर पिन डालना है। अब इसको हमने मान लिया कहीं पे कॉपी करके रख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं chaturbhai.com पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से यहीं पे हम जाएंगे, इस वाले जगह पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे थे, गिफ्ट कार्ड क्रेडिट सेक्शन के ऊपर थे, यहाँ पे हमने थे, सारी प्रोसेस मैंने कर रखा था। अब देखिए यहाँ पे इस वाले जगह पे हमें क्लिक करना था, ठीक है, इस वाले जगह पे क्लिक करने के अब देखिए हमें क्या करना है, गिफ्ट कार्ड नंबर में हमने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और गिफ्ट कार्ड पिन नंबर जो है यहाँ पे हमें फिलअप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ 46 ये वाला नंबर था, हमने फिलअप किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड गिफ्ट कार्ड, इसके ऊपर हमने सिंपल एक बार क्लिक किया। देखिए यहाँ पे लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है। अब देखिए 1000 रुपया का जो कूपन था वो 1000 रुपया ऐड हुआ, तो 1000 में 330 रुपया मैं यूज़ कर रहा हूँ और बाकी के 670 रुपया हमारा यहाँ पे रिमेंस बच गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इस वाले जगह पे क्लिक कर देते हैं प्लेस्ड ऑर्डर, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। और जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ लाइव एग्जांपल के साथ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे योर ऑर्डर कन्फर्म्ड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहें देखिए यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया, व्यू डिटेल्स हम के ऊपर क्लिक करते हैं तो व्यूज डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से आ गया, यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें बता रहा है, हमने जो यूज किया ये दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा आपका अर्जेंट कॉल के लिए कॉल नंबर रहता है, नीचे में सारी एड्रेसेस रहती है, यानी सारी चीज़ें हमने प्रॉपर वे में देख लिया, क्लियर है। अब हम कंटिन्यू शॉपिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके हम कंटिन्यू शॉपिंग कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए शॉपिंग कैसे करना है ये प्रोसेस मैंने बताया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब ये प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंचेगा तो मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा और इसके बाद अगर इसी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लगी मुझे कि बनाना चाहिए तो वो भी चीज़ें मैं बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं।